वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ओप्पो F19 प्रो जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए यार काफी ज्यादा यूजर्स वेट कर रहे थे कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 12 और क्रश 12 का ऑफिशियल वर्जन को कब तक रोल आउट किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ओप्पो ने ऑफिशियल डेट प्रोवाइड की थी 29 मार्च, उससे पहले यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस अपडेट का वर्जन क्या देखने को मिलता है, इस अपडेट का साइज क्या है, इस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिले हैं, तो वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो F19 प्रो डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और क्रश 12 ऑफिशियल अपडेट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपडेट एंड्रॉइड 11 यूजर्स को देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखना है, एंड यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में चेक करना है, आपको भी अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके डिवाइस में। इस अपडेट का साइज क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 1.91 GB के आसपास ये अपडेट फाइल देखने को मिलती है। अपडेट का वर्जन C.03 देखने को मिलता है। इस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस को यहाँ पर जो भी बीटा के साथ में आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जैसे नेटवर्क इश्यूज की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, हीटिंग इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे, तो फाइनली यहाँ पर सारे कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई हैं ओप्पो की ओर से। अब बात करते हैं यार इस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में क्या कुछ नया चेंजेस मिला है, यानी कि आपके डिवाइस में AOD कस्टमाइजेशन ईज लाइटिंग का जो फीचर्स है वो यहाँ पर देखने को मिला या फिर नहीं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके डिवाइस का जो स्टेटस बार है, जो नोटिफिकेशन पैनल है, वो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। बैटरी सेक्शन में भी आपको न्यू ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। आप गैलरी में जाओगे वहां पर भी आपको न्यू सिस्टम देखने को मिलता है। माई फाइल्स में भी आपको न्यू चेंज लॉग देखने को मिलता है। यहाँ पर इमोजी वाले सेक्शन को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बात करें कि आपके डिवाइस में AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर्स है एंड ईज लाइटिंग का जो फीचर्स है ये अपडेट के साथ में देखने को मिला या फिर नहीं। यहाँ पर आपके डिवाइस में ये दोनों ही फीचर्स अभी देखने को नहीं मिले हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग कस्टमर केयर से बात भी की थी, उन्होंने बोला था कि यार इस डिवाइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था वीडियो के थ्रू कि आपके डिवाइस में ऑफिशियल अपडेट के थ्रू AOD कस्टमाइजेशन और ईज लाइटिंग का जो फीचर्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट देखने को नहीं मिला है। तो यार मेरी गलती उसमें नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा इससे भी अच्छा डिवाइस जो है ओप्पो F19 प्रो प्लस, जो कि एक 5G डिवाइस है, उस डिवाइस का प्रोसेसर भी अच्छा है, तो भी यहाँ पर उस अपडेट मतलब उस मोबाइल में भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। उस डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पर AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर्स है उस डिवाइस में भी देखने को नहीं मिलता है। तो यार कहीं ना कहीं इशू या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ओप्पो कंपनी यहाँ पर इस फीचर्स को प्रोवाइड क्यों नहीं कर पा रही है ये तो उन्हें ही पता है, बट अगर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी आपके डिवाइस में AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर्स है वहाँ पर देखने को नहीं मिला है। एक डिवाइस है जो ओप्पो F17 प्रो डिवाइस है, उसमें यहाँ पर एंड्रॉइड 11 अपडेट में ही AOD कस्टमाइजेशन का फीचर्स देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आपके डिवाइस में मिलना होता तो पहले ही मिल जाता, बट मुझे लगा कि यार एंड्रॉइड 12 अपडेट के साथ में देखने को मिलेगा, वो भी ऑफिशियल अपडेट के साथ में, तो यहाँ पर अभी भी आपको देखने को नहीं मिला है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको वेट नहीं करना है, अगर ओप्पो की ओर से अगर इस डिवाइस के लिए सपोर्ट होगा AOD कस्टमाइजेशन तो आपके डिवाइस में डेफिनेटली अपडेट देखने को मिलेगा। जो भी न्यू अपडेट आएगा उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। एंड रही सही बात रिंगटोन मेकर और रिज लाइटिंग की, तो ये दोनों ही फीचर्स आपके डिवाइस में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपके डिवाइस में ये फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।